अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज जो हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो ज़रा सा मुनफरिद है और उसकी इनफरादियत की तरफ मैं आता हूँ। हम बात करेंगे आज मिसेस हिजाब सैयद से, हू इज़ एन आर्टिस्ट, अ मास्टर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिशनर, अ मास्टर हिप्नोथेरेपिस्ट एंड अ मास्टर टाइम लाइन थेरेपिस्ट। She is also a mother of four and grandmother of two. अब ये जो मुनफरिद या इनफरादियत की मैंने बात की, तो वैसे तो सारे ही हमारे इंटरव्यूज मुनफरिद होते हैं, लेकिन इसमें जो इनफरादियत है वो ये कि आई हैव मेट मैनी पीपल लेटली हु यू नो क्लेम टू हैव एन NLP सर्टिफिकेट वगैरह, और हम इनसे पूछेंगे कि व्हाट इज NLP ऑल अबाउट, एंड सिंस शी हैज़ अ सर्टिफिकेशन, शी इज सर्टिफाइड इन NLP प्रोग्रामिंग, तो फिर हिप्नोथेरेपिस्ट होने की क्या ज़रूरत है और फिर मास्टर टाइमलाइन थेरेपिस्ट क्या होता है। बिकॉज फ्रेंकली मुझे थोड़ा बहुत NLP के बारे में पता है, थोड़ा बहुत हिप्नोथेरेपी के बारे में पता है, लेकिन मास्टर टाइमलाइन थेरेपिस्ट का वर्ड ही मैंने पहली दफ़ा सुना है। तो इन मौजूद पर हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये तीन जो सर्टिफिकेशन हैं, ये तीन जो थेरेपीज हैं, व्हाट आर दे अबाउट। सो लेट्स जॉइन मी टू वेलकम मिसेस हिजाब सैयद। अस्सलाम वालेकुम मिसेस हिजाब। जब आप बात करती हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, फॉर लेमन लाइक मी इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, व्हाट इज NLP? ओके, इन द अर्ली 1970s रिचर्ड बैंडलर एंड अ लॉट ऑफ लाइक माइंडेड जेंटलमैन लाइक हिम केम अप विद दिस मेथोडोलॉजी दैट दे क्रिएटेड, व्हिच वाज ऑल अबाउट mapping of the human mind, the neurological alignment, how we respond, the role language plays in how we think, how we perceive, how we understand, how we react, how we respond to everything around us. And they, with the help of data programmers, because there was an entire team that came together, they developed techniques which are the NLP techniques that we use to help anyone understand who they are, how they function, why they respond the way they do, and how can they make this better? Because the whole idea is to enhance our performance, is to enhance the way we respond, is to give us a more holistic experience in the way we live our life. Dekhiye, zindagi to guzarni hai, utar chadhav to aayenge, challenges bhi aayenge, लिमिटेशंस भी आएंगी, हर तरह के लोगों से वास्ता भी होगा। इस तमाम अरसे में ने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, किसको क्या कहना है, अपने आप से क्या कहना है, जिसे हम सेल्फ डायलॉग कहते हैं, वो सेल्फ डायलॉग क्या होगा, कौन सी टर्म्स हैं जो हमें इनकरेज करेंगी, हमें आगे लेके जाएंगी, और कौन सी टर्म्स हैं जो हमारी तरक्की और हमारी हीलिंग के रास्ते में सैबोटेज क्रिएट करेंगी। देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स के हम अपने ही आप को सैबोटेज कर रहे होते हैं इन द डिसीजंस दैट वी मेक विदाउट इवन रियलाइजिंग। फॉर एग्जाम्पल विक्टिमहुड बहुत सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, और खास तौर पे हमारे कल्चर में दुख को सेलिब्रेट करने के लिए बेशुमार पोइट्री, गजलें, कहानियां, नज़में, गीत, बिकॉज वी जस्ट लव इट, वी लव ट्रेजेडी, वी लव बीइंग द ट्रेजिक फिगर, बिकॉज इसके अंदर हम बहुत डीपली एसोसिएट करते हैं विद द इमोशंस ऑफ हर्ट, रिजेक्शन, डिप्रेशन, लोनलीनेस। नाउ एक गजल सुनने की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस कैफियत को अपने ऊपर तारी कर लेंगे और ये इरादा कर लेंगे कि मैंने इससे तो हटना ही नहीं है और मैं तो जो मर्जी हो जाए आई विल कंटिन्यू टू सफर बिकॉज आई लव बीइंग द विक्टिम, आई लव द अटेंशन आई गेट फ्रॉम एवरीवन बीइंग अ विक्टिम, I love the way I'm able to manipulate relationships and situations because I play the victim card. तो फिर आपकी हीलिंग कब होगी?
आप खुद कफील कब हों। एक टॉक्सिक अरेंजमेंट है जो कोडिपेंडेंसी की होती है, और आप सारी उम्र अगर उस कोडिपेंडेंसी को ही हाईलाइट करते रहेंगे, प्रेफरेंस देते रहेंगे, तो खुद कफील कब होंगे। ये एक बहुत अहम सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना है। सो एनएलपी इन तमाम सवालात के जवाब देती है इन अ वेरी इफेक्टिव, और इसे कहते हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक मेथोडोलॉजी, उस हिसाब से इट गोज राइट टू द कोर ऑफ व्हाटएवर इट इज दैट यू डिसाइडेड एंड हाउ यू कैन डिसोसिएट विद इट एंड हाउ यू कैन मूव ऑन फ्रॉम इट। कहानी को पीछे रख के आपकी ग्रोथ और आप प्रायोरिटी है, और हर इंसान की हीलिंग सिर्फ तब होती है जब वो खुद ये इरादा करता है कि हाँ मुझे हील करना है। दुनिया जहान के ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट्स कुछ नहीं कर सकते अगर हमारे क्लाइंट्स खुद ये डिसाइड ना करें कि दे वॉन्ट टू बी हील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनाब, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट एनएलपी हाइलाइट्स फॉर अस इन आवर ओन जर्नी एंड इन द जर्नी ऑफ आवर क्लाइंट्स। व्हाई वुड अ कस्टमर जिस को आप क्लाइंट कह रहे हैं वुड कम टू यू रादर देन गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ न्यूरोलॉजिस्ट? देयर इशू मे नॉट बी ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल नेचर, their issue may not be of a psychiatric medicine based nature. Agar aapka issue ek heavy duty treatment, medicinal treatment require hi nahi karta, so why would you go in that direction? When an issue can be resolved at a level jahan aapko khud ka feel kar diya jaye, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया जाए, आपको ये याद दिला दिया जाए कि आप कितने अमेजिंग हैं, आप कितने ऑसम हैं, और अल्लाह पाक ने आपके अंदर जो रिसोर्सेज आपको दी हुई हैं वो काफी हैं, तो फिर क्या जरूरत है एक हैवी ड्यूटी ट्रीटमेंट में जाने की। देखिए किसी भी चीज का इलाज या सोल्यूशन उसकी नौयत से रिलेटेड होता है। दैट इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल, यंग पीपल, मैरिड कपल्स, लीडरशिप रोल के लोग, मेरे पास कॉर्पोरेट सेक्टर से बहुत लोग आते हैं, मेरे पास मैरिड कपल्स भी आते हैं, मेरे पास यंग टीनेजर्स आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, जवान लोग आते हैं जिन्होंने अभी अभी करियर्स या नई नई शादियों में कदम रखा होता है। सो देर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स जो कि एक्चुअली सिर्फ इट इज जस्ट अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन एंड अ लिटिल bit of lack of recognition of who they are and who they want to be. So isme ek heavy duty medicinal treatment ki to zarurat hi nahi hai. Upar se hamare culture mein isse suna usse suna, oh acha flana lexotinal pe hai, flana alp kha raha hai, flana cipralex le raha hai, main bhi le leta hu. Kyun bhai, kyun le leta hu? Pehle ye to dekh lijiye ki aapko इस चीज की जरूरत है या नहीं, क्या आपकी केमिकल कॉम्पोजिशन एज एन इंडिविजुअल इन चीजों को सपोर्ट कर पाएगी, क्या आपका जिस्म इनको हैंडल कर पाएगा। देयर आर रिपरकशंस, ये फल की तरह नहीं है कि सेब खाया तो मुफीद ही होगा। एट द एंड ऑफ द डे ये मेडिसिंस हैं व्हिच बैलेंस और इनबैलेंस द केमिकल्स प्रेजेंट इन योर ब्रेन। सो व्हाट यू प्लेइंग विद is the chemical composition of your brain. So you need to be absolutely clear and absolutely sure that this is what you need. What is the support system required? लेकिन अगर आपका support system ये require करता है कि आप एक coach से बात कर लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए या किसी और coach से बात कर लीजिए, तो you might as well go through that. And you don't need to go through something which is heavy duty with side effects. Rightly said. Lekin I think abhi hamara maashra itna advanced aur itna literate aur itna educated nahi hai jo abhi aapne baat ki coach se baat karte hain. I think people like you and me, because aap NLP karte hain, I'm a life coach, we have to sort of educate the masses. We have to educate the as to what we precisely do, and absolutely example, help ki apne baat ki agar
Yeah. Although I'm not a doctor, but I know it's a narcotic drug and it's serious business. And I've seen people changing health like, you know, casually. They were once on the Panadol Khali. Okay, I think the mukalma hua, hamara dialogue hua is what this wale se. So, hum jaise logon ko zarurat hai ke sort of market kare is idea ko, ke rather than going to a psychologist or a psychiatrist, they should talk. I think people are not talking. That is where the problem lies. Communication being the issue, whereby they do not share the, what they are going through. और जब तक वो शेयर नहीं करेंगे उनका कंफर्ट लेवल डेवलप नहीं होगा अपनों के साथ जो के साथ रहते हैं फ्रेंड्स और व्हाटएवर तो उस वक्त तक ये इश्यूज आएंगे. एम आई लूजिंग यू बिकॉज आपकी तस्वीर बिल्कुल स्टंट हुई थी इस वक्त. आर यू विद मी? कैन यू हियर मी? Ladies and gentlemen, this issue आ रहा है. There's a glitch. Oh, there she goes. We'll just wait for Mr. Hijab to get back. So, अगर आप लोग इस्लामाबाद में हैं तो यहाँ का वेदर एंजॉय कर रहे हैं. 16 सितंबर जो लोकल कैलेंडर है उसके हिसाब से मौसम चेंज होता है. It is so precise, this calendar. क्योंकि एक ज़रई कैलेंडर माना जाता है वो हिंदू मत में भी और या पंजाब में भी मैंने देखा है, अप्रिशिएट किया उसकी नाउ दैट आई हैव बीन इन पंजाब लास्ट 20 इयर्स. वो इतना प्रिसाइज है कि स्पॉट ऑन डेट पे वो कैलेंडर चेंज होता है और अब इवनिंग्स थोड़ी सी प्लेजेंट हो गई हैं और रात को ठंड शुरू हो जाती है वेरबाई आपको पंखा थोड़ा सा बुरा लगने लगता है, आप उसको हल्का कर देते हैं एंड चादर लेनी पड़ती है. तो आई हैव टू सॉर्ट ऑफ कीप यू एंगेज्ड, कीप यू बिजी फॉर अ वाइल टिल पंजाब साहिब आप जो अनुभव साहिब में किए हैं पे कोई ग्लिच आया है, इशू आया है. और आई होप ये वो प्रॉब्लम ना हो जो मैं समझ रहा हूँ, बिकॉज उनके यहाँ पोल सोल को पिछले 6 घंटे से लाइट नहीं थी. तो शी वॉज फेसिंग ब्राउन आउट एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो लैपटॉप से हमें ज्वाइन करेंगी, बट लैपटॉप बैटरी डाइड आउट एंड इवन द फोन दैट शी वॉज यूजिंग व्हाइल टॉकिंग टू अस वॉज पुट ऑन चार्ज. तो शायद दैट कुड बी अ प्रॉब्लम. My apologies, I've just reconnected. Thank you, thank you. I was just wondering if you had a phone. I hope it did not die out. It did, and that is exactly why I changed the cable so I could continue. Of course, it is. It's happening today. Talk about failure fest, Sheikh Saab. Talk about failure fest. मज़े की बात बताता चलूँ आपको. जी. जब हम लाइव हुए. To suppose it, because there's a little technical stuff which I have to do here. Nobody is listening to me. मुझे खुद ही देखना है. Like हो गए, फिर जाता हूँ Word पे या PDF पे, वहाँ से आपका वो पढ़ रहा होता हूँ profile and all. तो हम live नहीं हुए थे by the way. और थोड़ा सा starting का जो part है वो miss हो गया और इसी वजह थी कि मैंने editing के दोबारा आपसे बात की. चले वापस आते हैं. थोड़ा सा hypnotherapy समझाइए कि what is hypnotherapy और किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं हाइपनोथेरेपी को आपकी एनएलपी से. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जनाब, सबसे पहले तो हम सब ने जो फिल्मों में और स्टेज शोज में देखा है कि घड़ी की टिक टिक होती है, पेंडुलम हिलता है और लोग इंसान से बत्तख बन जाते हैं, हिप्नोथेरेपी में ये नहीं होता. और हमारा ये जो एक फेयर या एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई मुझे हिप्नोटाइज करेगा तो दैट पर्सन इज गोइंग टू टेक ओवर मी एंड मैं किसी और के कंट्रोल में चला जाऊंगा, किसी और के कंट्रोल में चली जाऊंगी, वो मुझसे जो मर्जी करवा लेगा वो हो जाएगा, आई विल बी सो वल्नरेबल. सबसे पहले तो एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट लेट मी क्लियर दिस फॉर यू, ऐसा कुछ नहीं होता.
This is not what hypnotherapy is about. Hypnotherapy में आप एक relaxed state में जरूर जाते हैं. Hypnotherapy में आप एक ऐसी state में जाते हैं where you are absolutely in the most relaxed state ever. However, you are always very conscious of this state. ना आप बेहोश होते हैं, ना आप बेसुध होते हैं, ना ही आप और किसी के कंट्रोल में आ जाते हैं. यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर बॉडी, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर रिस्पॉन्सेस, यू आर एब्सोल्युटली एंड वेरी क्लियरली अवेयर ऑफ व्हाट द थेरेपिस्ट इज सेइंग टू यू. और कहीं भी जैसे ही आपकी वैल्यू सिस्टम से कोई भी चीज इन कॉन्फ्लिक्ट आएगी, आप इस तरह स्नैप आउट करते हैं फ्रॉम दैट रिलैक्स्ड स्टेट. इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. देयर वाज अ वेरी फेमस हिप्नोथेरेपिस्ट हु वाज वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, वन ऑफ माय मेंटर्स. एंड जब वो अपना सेशन कंडक्ट कर रहे थे, देयर वाज अ मुस्लिम वुमन, अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वुमन हु वाज पार्ट ऑफ द वॉलंटियर्स हु हैड कम टू द स्टेज. So, अब तक जितनी भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी, जिसमें एक अनइंटेलिजेंट लैंग्वेज में सबने बोलना था, सब बोले, और उन्होंने सर्टेन एक्शंस करवाने थे, वो सबने किए, व्हाइल दे वर एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ व्हाट दे वर डूइंग. जस्ट टू टेस्ट द वॉटर्स, ही सेड दैट द ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ यू इज एब्सोल्युटली नेकेड. The Muslim practicing woman who had been following 30 different directions till that moment immediately snapped out and said, no, they're not. You see, hamara value system itna well entrenched hai aur hum itne aware hote hain ki agar koi cheez khilaf-e-tawakko jaye to hum foran se usko respond karte. अब हिप्नोथेरेपी में होता यह है कि फर्ज मोहाल कोई मेरे पास आता है, जिस तरह मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हिजाब, वी वांट टू गिव अप स्मोकिंग एंड दिस इज समथिंग वी आर एब्सोल्युटली सिक ऑफ, वी हेट द इफेक्ट इट हैज ऑन आवर हेल्थ, ऑन आवर फैमिली लाइफ, हमारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं. दे वर एब्सोल्युटली रेडी. सो हाफ द बैटल इज ऑलरेडी वन बिकॉज माई क्लाइंट वॉज रेडी टू मेक दैट चेंज. और ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है. मैं इस पे आई कैन नॉट एम्फेसिस इनफ ओवर दिस कि जब तक एक क्लाइंट तैयार ना हो अपनी हीलिंग के लिए, आप कुछ नहीं कर सकते. दिस फैक्टर हैज टू बी द की वन इन प्ले. सो उनके साथ हमने हिप्नोथेरेपी की टेक्निक इस्तेमाल की जो कि हम स्मोकर्स के साथ करते हैं, और अब माशाल्लाह माशाल्लाह उनको क्विट किए हुए, कोल्ड टर्की उन्होंने क्विट किया था, उनको क्विट किए हुए काफी अरसा हो गया. उनको अब ख्याल भी नहीं आता कि ये एक ऐसी चीज है विच आई नीड टू गो टू व्हेन आई एम इन स्ट्रेस. सो हिप्नोथेरेपी करता ये है कि आपको एक रिलैक्स स्टेट में आपका थेरेपिस्ट लेके जाता है, एंड जब आप उस रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो जो पॉजिटिव इंटेंशन आपने शेयर की होती है, आप चाहते हैं कि हो, जो तब्दीली आप लाना चाहते हैं, जो नया पाकिस्तान आप बनाना चाहते हैं, हम उन जुमलों को इस्तेमाल करते हुए, आप ही के अल्फाजों को दोहराते हुए, उन पॉजिटिव इंटेंशंस को प्लेस करते हैं आपकी साइकी में. क्योंकि वो अल्फाज आपके अपने होते हैं, तो आपका उन लफ्जों पे यकीन करना, उन लफ्जों को मानना, उन लफ्जों को अपने अंदर समा लेना बहुत आसान होता है. अल्फाज आपके, नियत आपकी, एफर्ट आपका, टेक्निक हिप्नोथेरेपी की. तो जनाब, इसमें सारा कमाल आपका है, किसी और का नहीं होता. इसलिए ये वो चीज है जो आप अपने लिए खुद कर रहे हैं, इसीलिए इसका असर भी होता है. दैट इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन हिप्नोथेरेपी टू यू. सर क्या हुआ फिर एनएलपी का और हिप्नोथेरेपी का, तो उसमें भी आप न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम में आपका रिलैक्स स्टेट में होना जरूरी नहीं होता. आपका उस
पार्शियल स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में जहां आपकी आंखें बंद होती हैं, आप तमाम चीजों को अपने जहन से दूर कर चुके हुए होते हैं, आप एक ऑलमोस्ट जेन स्टेट में आके रिस्पॉन्ड करते हैं। एनएलपी में वो जरूरी नहीं है, आप जागते फिरते बहुत सारी टेक्निक्स कर रहे होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी टेक्निक्स में मेरे क्लाइंट्स की बहुत सारी मूवमेंट भी रिक्वायर्ड होती है। सो दिस कैन बी डन व्हेन यू आर फुली अवेक एज अपोज्ड टू हिप्नोथेरेपी वेयर यू आर नॉट फुली अवेक एंड यू आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलैक्स्ड स्टेट। आम फहम के लिए ये फर्क है। कभी आप जितने अच्छे से हिप्नोथेरेपी कर रहे हैं, कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जो क्लाइंट है उसने कुछ ये कहा हो कि जी आई हैड एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ऐसा कोई सिनेरियो डेवलप हुआ? नहीं शेख साहब, टू दिस डेट ऑल माय क्लाइंट्स हैव स्टेड विद इन देयर बॉडीज और एट मोस्ट व्हाट दे हैव डन इज दे हैव गॉन टू स्लीप। बिकॉज वो जब ज्यादा डीप स्टेट में जाते हैं और वो इतना रिलैक्स कर जाते हैं, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में, प्रोफेशनल लाइफ्स में, पर्सनल लाइफ्स में, एज अ पेरेंट, एज अ स्पाउस, एज अ सिबलिंग, एज अ चाइल्ड, एज अ कजन, एज अ नेक्स्ट डोर नेबर, मल्टीपल लेयर्स है ना इंसानों की, वो जस्ट लाइक अनियंस, और उन तमाम लेयर्स में आजकल बहुत स्ट्रेस होता है। तो कुछ लोग जब हिप्नोथेरेपी एक्सपीरियंस करते हैं तो sometimes they go into the absolute deep state where they actually doze off. When they doze off, I let them stay there for a little while because I understand that this is a need of theirs. बहुत सारे लोगों को insomnia भी होता है, बहुत सारे लोगों की erratic sleep cycle होता है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी के इतने प्रेशर्स होते हैं कि वो चाहते हुए भी उतनी स्लीप उन्हें नहीं मिल रही होती जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। सो आई लेट देम स्लीप ऑफ, देन आई जेंटली ब्रिंग देम बैक एंड देन आई बिगिन द प्रोसेस अगेन विद देम। कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस किया आपने कि वो वापस ना आ पा रहे हो, वापस ऐसे सो गए और उठ नहीं रहे हो? नहीं जी, अभी तक तो इतना गहरा कोई नहीं सोया। नहीं सोया। लाली ना पड़ जाए। हाँ, और उठाना ही ना पड़ जाए कहीं। पता चले हिप्नोथेरेपिस्ट भागा भागा बाथरूम में जा रहे हैं, मग्गे में पानी ला रहे हैं और अगले को नहा रहा है कि खुदा के वास्ते उठ जाओ। उठ जाओ। सारी स्टेक पे लग जाए हिप्नोथेरेपी। जी बिल्कुल बिल्कुल। लाइन थेरेपी का जिक्र आया आपके प्रोफाइल में, व्हाट इज दैट? आई हैव नेवर हर्ड ऑफ टाइमलाइन थेरेपी। टाइमलाइन, टाइमलाइन, जी टाइमलाइन थेरेपी इज अनदर वंडरफुल मेथडोलॉजी जिसके अंदर हम अपनी क्लाइंट की जो टाइमलाइन है ऑफ देयर लाइफ एंड व्हिच इवन गोज बियॉन्ड द टाइम, इट्स द टाइम व्हेन दे वर इनसाइड द मदर्स वूम एंड इट्स आल्सो द टाइम बियॉन्ड दैट। बिकॉज यहाँ पे एक बात मैं एक्सप्लेन करती जाऊँ, हमारे बहुत से ट्रॉमास ऐसे होते हैं जो हमारी अपनी जिंदगी से जुड़े हुए नहीं होते, दे प्री डेट आवर बर्थ, दे कुड बी द ट्रॉमा ऑफ आर मदर्स, दे कुड बी द ट्रॉमास ऑफ आर फादर्स, दे कुड बी द ट्रॉमा ऑफ आर ग्रैंड पेरेंट्स और इवन बियॉन्ड, जो हम नस्ल दर नस्ल इनहेरिट करते हैं और वो स्टोरी भी क्योंकि हम बार बार सुन रहे होते हैं बार बार, तो हमें अपनी जिंदगी की बहुत सी चीजें लगता है कि ओ ये तो अम्मी के साथ हुआ था, ओ ये तो मेरी नानी के साथ हुआ था, और हम उसका क्योंकि सुन रहे होते हैं तो इट्स अ रीइंफोर्स्ड ट्रॉमा। दिस इज वेयर टाइमलाइन थेरेपी कम्स इन और इसके अंदर हम जो फाइव बिग नास्टी हॉरिड इमोशंस लाइक ग्रीफ, like rejection, like fear, like shame, like guilt, हम उन्हें address करते हैं। Where we go back and see के अच्छा इस चीज की शुरुआत हुई किस event से थी। आज आप ये बात कह रहे हैं पर क्या ये कल वाले episode से related है? क्या आपने ये emotion पहले भी feel किया और अगर किया तो कब किया? आपकी उम्र क्या थी? हुआ क्या था? बात शुरू कहां से हुई? हम उसकी रूट कॉज पे जाते हैं ऑन योर ओन पर्सनल टाइमलाइन, ताकि उसको उस जगह जाके एड्रेस किया जाए जहां से इसकी शुरुआत हुई।
That's what timeline therapy is about. This means that, okay, what I understand is that you kind of provoke the customer or the client, and he or she speaks. He or she spills the beans, himself or herself. Is that correct? No, absolutely not. Absolutely not. वो खुद अपना ट्रॉमा जब आपसे शेयर करते हैं, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ. There's a client of mine जिनका बहुत सिवेयर कंसर्न था वेट गेन का. And she came to a point where she had tried all the diets. She had gone to nutritionists, multiple nutritionists here and abroad. She had gone and consulted other physicians also. Unka mamla hal nahi ho raha tha, bahut sari cheezon ko try karne ke bavajood. Somebody recommended her to me, and I recently worked with her a few months ago. And pata ye chala ki ek to unka issue tha shame ka. Unka issue shame ka isliye tha because when she was a young girl, she was molested by someone that built in a lot of shame. तो उन्होंने ये जिंदगी में फैसला किया कि जब मैं physically appealing ही नहीं रहूंगी तो कोई मुझे इस तरह से violate नहीं करेगा. I will become so unappealing that nobody will find me attractive enough to violate me, to abuse me, to do this to me. So that's where her shame came in. और वो सिर्फ हमें इफेक्टिव क्वेश्चनिंग के थ्रू, जो हमारी एक टेक्निक होती है इन एनएलपी, क्योंकि हम सारी मोडालिटीज को साथ लेके चलते हैं, उसके थ्रू हाईलाइट हुआ कि अच्छा ये बात वहां से आ रही है. तो पहले टाइमलाइन थेरेपी को इस्तेमाल करते हुए जो शेम था, गिल्ट था, पेन था, ग्रीफ था, हर्ट था, रिजेक्शन था, क्योंकि अब्यूज़ आपको सबसे ज्यादा इस चीज का एहसास दिलाते हैं कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम इसी काबिल हो कि तुम्हारे साथ यही किया जाए, जो तुम्हारे साथ हुआ तुम ये डिजर्व करती हो. और दूसरा गेम प्लान क्या होता है कि जितना मैं तुम्हें प्यार करता हूं या प्यार करती हूं उतना कोई नहीं करता. एवरीवन हैज रिजेक्टेड यू एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस आई हैव फॉर यू, क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग यू हैव, दिस इज द ओनली थिंग यू आर गोइंग टू गेट. सो दे प्ले विद देम एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, दे मेस देम अप इन ए इन ऑर्डर टू मिसयूज देम. सो आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दिस विद हर ऑन टाइमलाइन थेरेपी, एंड माशाल्लाह 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 आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हर. The commitment she made to herself, the effort that she made. She is mashallah, mashallah, today 15 kgs lower. Jo pichle 15 saalon mein wo nahi kar paayi, despite her best efforts. Because you see, hum jab tak root cause ko remove nahi karenge, jo kuch bhi upar hoga uski wohi misal hai jo makeup ki hoti hai. अगर आपकी स्किन एक्नी से भरी हुई है, उसके ऊपर आप 2 किलो मेकअप लगा लें तो क्या एक्नी चली जाएगी? नहीं जाएगी. वक्ती तौर पे एक सलूशन मिल जाएगा, बट दैट इज एन एड्रेस द इश्यू. सो इश्यूज नीड टू बी एड्रेस्ड एट अ डीपर लेवल. एंड माय क्लाइंट वाज ब्रिलियंट इन हर ओन जर्नी, शी वाज ब्रिलियंट इन हर ओन रिकवरी. She was amazing the way she committed to it. Unki commitment is responsible for the results and the success she has. Nothing else, no one else. Interesting. अच्छा, इस बात से एक और बात निकलती है, वो ये कि बजाहिर मुझे ऐसा लग रहा है जो आपने different clients की बात की कि जो epigenetic उनके near and dear ones हैं, वो ही root cause of the evil नजर आ रहा है. चाहे वो स्पाउस की सूरत में हो, चाहे माँ बाप की सूरत में हो, क्या ये करेक्ट है? देखिए, चौथे महल्ले शुकूर साहब अपने घर में बैठे क्या कर रहे हैं, उससे आपको या मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उसी घर के नीचे, उसी छत के नीचे मेरे वालिद, मेरे भाई, मेरी वालदा,
मेरी बहन, मेरे शौहर, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं इम्पैक्ट्स मी ऑल द टाइम। कोई जो है दूर से उठ के, बहुत रेयर चांस होगा अगर कोई बहुत दूर पार का कोई गैर उठ के आए और आपको आके कोई तकलीफ दे जाए। रोजमर्रा की जिंदगी में तकलीफ की जुरत या तकलीफ की बसारत सिर्फ हमारे अपने ही कर सकते हैं। में साफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे होते हैं और थोक के हिसाब से होते हैं। देखिए औलाद और स्पाउसेस के बारे में तो अल्लाह पाक ने कुरान में भी कहा है कि दे आर अ टेस्ट फॉर यू इन दिस लाइफ एंड फ्रॉम अमंग देम यू विल हैव एनिमीज। सुभान अल्लाह, तो फिर हम क्या होते हैं। फितना है, फितना। Very interesting. चलो, ये तो हो गई definitions, पता चल गया आप क्या करती हैं। How do you define failure now? That's such an interesting question because there was a time where I also, like my culture has taught me to, celebrated failure. दुनिया जहान के उदास तरीन गाने सुन के, खाना ना खा के, काले कपड़े पहन के, I did all that till I discovered NLP and I realized there is nothing known as failure. There is only feedback. And there is only learning. हर वो चीज जो हमें कुछ सिखा दे तो वो फेलियर तो रही नहीं, और जो आपको तकलीफ सिखाती है ना, वो खुशी के मौके सिखाई नहीं सकते। बिकॉज जो इम्पैक्ट आपका दुख में, तकलीफ में, रिजेक्शन में, लूजिंग आउट में होता है, और जो मुसम्मम इरादे आप उसमें करते हैं कि यार ये मैंने दोबारा नहीं होने देना, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम गोइंग टू गो थ्रू अगेन, और आई विल नॉट अलाउ पीपल टू ट्रीट मी दिस वे, और आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड दिस वे। वो लर्निंग खुशी में कहाँ होती है? खुशी में तो इट्स ऑल गुड फन एंड हंकी डोरी, गाने गाए, अच्छा खाना खाया, हंसे खेले, वो औकात याद भी नहीं रहते। याद रहता है तो दुख, याद रहती है तो तकलीफ। दैट्स ह्यूमन नेचर, दैट्स हाउ वी आर बिल्ट। इसीलिए आई फील के फेलियर कुछ नहीं होता, और इसको इस तरह से मत देखिए बिकॉज आपने अपनी लर्निंग खुद ब खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर दी। अगर आपने अपने आप को ये कह दिया कि ओ माई गॉड ये तो एक शेक्सपियरिंग ट्रेजिडी थी मेरी जिंदगी की, अरे भाई लर्निंग एक्सपीरियंस था, उसकी लर्निंग को सेलिब्रेट करें, उसको आगे लेके चलें। शहसवारी तो गिरते हैं मैदाने जंग में, गिर गए आप तो क्या हुआ, कपड़े झाड़िए, उठे, अपनी लर्निंग को उठाएं और मजबूती से आगे की तरफ रवाना हो जाएं। देयर इज सो मच मोर टू लुक फॉरवर्ड टू। जिंदगी क्या उसी वक्त उसी नुक्ते पे थोड़ी रुक जाती है। आई वॉज वेरी यंग व्हेन माई फादर पास्ड अवे, आई वॉज अराउंड 7.5-8 Max when daddy died। और जो हमारे यहाँ एक typical cultural तरीका है कि जब बाप का इंतकाल हो जाए तो वो पंजाबी में कहते हैं सिरा नाल सरदारियां, सारी सरदारियां भी खत्म हो जाती हैं। वो रिश्ते जो रोजमर्रा आपके इर्द गिर्द मक्खियों की तरह भिन बना रहे होते हैं, वो सूरज की रोशनी में स्काई की तरह गायब हो जाते हैं। बहुत कुछ उसके साथ गायब हो जाता है, और मेरी जिंदगी में भी हुआ। उसके कुछ सालों के बाद मेरी वालदा, वो जो कि मेरी जिंदगी का महवर थी, हैं और हमेशा रहेंगी, उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ। 9 साल मामा ने कैंसर के साथ इस तरह जंग की कि क्या बात है उनके वकार की, उनके सबर की, उनके हिम्मत की। जब भी उनसे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, इतनी मीठी उनकी मुस्कुराहट और उस पर उनका कहना अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी वालदा को जिंदगी में कभी कंप्लेन करते, रोते धोते, हाय मेरी किस्मत, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने जिंदगी में नहीं सुना। एंड दैट इज व्हाट आई एस्पायर टू आल्सो। आई लॉस्ट हर व्हेन आई वाज 18। या तो देखिए, मेरे पास जिंदगी में दो चॉइसेस थी। अब ये दो बहुत बड़ी ट्रेजिडीज, बहुत बड़े वैक्यूम्स हैं जिनको या तो मैं सारी उम्र लेके रो धो सकती थी, सारी उम्र इनका स्यापा पीट सकती थी,
या मैं अपनी वालदा के सिखाए एग्जाम्पल से जो उन्होंने पर्सोनिफाई किया, जो उन्होंने एपिटमाइज किया, मैं वो लेके चलती. सो आई चोज हर वे ऑफ लिविंग. उसके बाद जब मैं बड़ी हुई, शादी हुई, शादी में अपने चैलेंजेस थे, 4 बच्चों और 20 साल की रिफाकत के बाद वो रिश्ता खत्म हुआ. मैंने उस रिश्ते को खत्म करने के बाद 6 साल ऑन माय ओन एज अ सिंगल पेरेंट गुजारे. वो आप इमेजिन कर सकते हैं, 4 बच्चों को पालना आजकल की जिंदगी में क्या कमाल रहा होगा. उसमें भी बहुत सारे सेटबैक्स आए, चैलेंजेस आए. फिर मैंने जिंदगी में इरादा किया, एक बहुत अच्छे दोस्त को अपना हम सफर बनाया, हिम्मत की. वो सिलसिला 2 साल में खत्म हुआ. मैं किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं अपने आप को देखती हूं कि मेरा रोल क्या था. उस रिश्ते को अच्छी तरह ना निभाने में मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी तो होगी. सारा इल्जाम या मुद्दा इल्जाम किसी और को देना, ये बड़ी अनफेयर बात है. अनफॉर्चुनेटली फॉर व्हाटएवर रीजंस इट डिड नॉट वर्क आउट एंड हियर आई वाज डिवोर्स्ड अगेन. एंड देन एक दफा फिर मेरी जिंदगी में मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त आया, जो कि आज भी मेरा बहुत प्यारा दोस्त है. मैंने बहुत अल्लाह पाक के आगे मैं रोई, मैंने बहुत दुआएं मांगी, मुझे बहुत यकीन है दुआ और इस्तखारे पे. और मैंने एक दफा फिर हिम्मत की ये फैसला लेने का, बिकॉज मैं आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन एट ऑल कि मैं इधर उधर घूमू फिरूं या डिनर्स चिनर्स या दिस दैट. दैट्स नॉट माई टेम्परमेंट. आई एम अ होम मेकर, आई एम अ नेस्टर. मेरे लिए मेरा नेस्ट, मेरा शौहर, मेरे बच्चे, मेरी बिल्ली, ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो आई रीमैरिड फॉर द थर्ड टाइम एंड अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, अल्लाह पाक हमारी खताहों को माफ फरमाए. इट हैज बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. सो या तो मैं ये डिसीजन ले सकती कि ओहो एक दफा तलाक हुई, ओहो दूसरी दफा तलाक हुई, उफ मैं तो लूजर हूं, शमीम आरा पार्ट टू. But I decided no. Marriage is such a beautiful institute. और इसके खूबसूरती में हमेशा से मैंने बिलीव किया है. Why will I deny myself that? Just because it hasn't worked out once. मेरी पहली शादी कोई 2 दिन की बात नहीं थी, 20 साल का रिश्ता था, 4 बच्चे हैं उससे, मजाक तो नहीं था. हाँ दूसरा भी कोशिश की, चलें जो अल्लाह को मंजूर. अल्लाह पाक दोनों हजरात को जो मेरे एक्सेस हैं अपने हिफ्ज अमान में रखे, नेकी की हदायत दे, उन्हें भरपूर अच्छी जिंदगियां नसीब करे. बिकॉज अल्लाह पाक ने बहुत एहसान किया अपना तीसरी दफा मुझ पे, एंड अल्लाह का बहुत शुक्र है. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हैविंग फेथ इन हिम एंड हैविंग फेथ इन योरसेल्फ. आएंगे हर तरह के चैलेंजेस आएंगे, करियर में बहुत चैलेंजेस आते हैं. मैं आपको एजुकेशन का बताऊं, व्हेन आई वेंट टू कनेड, माय ओल्डर सिस्टर इन ऑल हर गुडविल फॉर मी डिसाइडेड कि मेरे लिए जो बेहतरीन राउट है वो होगा स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फ्रेंच. मैंने भी सोचा हाँ बिल्कुल यही ठीक होगा, वो कह रही है तो ठीक ही कह रही होंगी. ले लिया हमने स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फ्रेंच. फ्रेंच तो कमाल था बिकॉज आई हैव अ लव फॉर लैंग्वेजेस. स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स मेरे अल्लाह, दे वर अ नाइटमेयर. ना तो मुझे वो समझ आते थे, ना मुझे वो सुझाई देते थे, ना बुझाई देते थे, समझ ही नहीं आ रहा था जिंदगी में मैं फंस कहां गई हूं. ऊपर से वो मेरी जिंदगी के सबसे तकलीफ दे दिन थे बिकॉज मामा का कैंसर एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया था जब मैंने रीच किया कनेड इन माई फर्स्ट ईयर आई वॉज 16 के उनकी डिटीरिएशन शुरू हो चुकी थी और हर जो मेथोडोलॉजी थी, जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट थी, वो मामा पे वर्क कर नहीं रही. मामा के 2 सालों में कोई 11 सर्जरीज हुई क्योंकि उनको लिम्फोमिया था और उनकी सारी गर्दन पे एक रिंग बन चुका हुआ था कट्स लग लग के. सो मैंने क्या खाक फोकस करना था एजुकेशन पे,
जनाब, एज एक्सपेक्टेड स्टैटिस्टिक्स में मेरी सप्ली आ गई फर्स्ट ईयर में, विच वॉज अ फर्स्ट फॉर अ टॉपर लाइक मी, जिसने सारी उम्र एकेडेमिक एक्सलेंस एक्सपीरियंस की थी. ये जिंदगी का पहला एकेडेमिक झटका था. एंड आई फेल्ट सो शर्मिंदा एंड सो लॉस्ट कि मैं रोती धोती घर पहुंची. मेरी वालदा में अल्लाह मियां ने ना GPRS फिट किया हुआ था. उनको मेरी तरफ देखने की भी या अपने किसी भी बच्चे की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी. एंड शी न्यू कि देयर इज समथिंग सेवेयरली रॉन्ग. उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि ये आपने अपनी इतनी प्यारी शक्ल को इतना बुरा क्यों किया हुआ. हिम्मत ही नहीं हुई अपनी वालदा को ये कहने की कि आई हैव फेल्ड, बिकॉज आई फेल्ट आई हैव फेल्ड हर. उनकी इतनी उम्मीदें मुझसे जुड़ी थी एंड उनकी इस हालत ने मुझसे बड़ा तो लूजर कोई नहीं पैदा हो सकता कि मेरी तो सप्ली आ गई है. दिल चाह रहा था जमीन फटे और मैं उसमें अपने आप को मदफून ही कर दूं. बड़ी हिम्मत करके शर्मिंदा शर्मिंदा खरामा खरामा उनसे गुफ्तगू की. उन्होंने मुझे सीने से लगाया, बहुत प्यार किया और उन्होंने कहा, मेरी जान, आपकी वालदा सर्विसेज हॉस्पिटल के एक वार्ड में है, आपकी नानी दूसरे वार्ड में है, आप सिंगल हैंडेडली दोनों की तीमारदारी कर रही हैं, आप हम दोनों को खाना खिलाती हैं, हमारे कपड़े चेंज करती हैं, हमारी बेडशीट्स चेंज करती हैं, भाग भाग के अक्रॉस रोड जो है वो दवाइयां ले लेके आती हैं, मैं और नानो बेयरली घर होते हैं, हम परपेचुअली हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उसके दरम्यान में आप कॉलेज में पढ़ भी रही हैं, घर भी जाती हैं, वहां से खाना शाना लेके भी आती हैं, और क्या कुछ है जो मेरे शेर ने करना है. तो क्या हुआ अगर स्टैटिस्टिक्स समझ नहीं आई भाई? That is not a problem. एक सब्जेक्ट ही तो है. You're not a loser. No one is better than you at this point in life, मेरी जान. और मुझे अपना आप जो 5 किलो का लूजर लग रहा था वो 10 किलो का शेर लगने लग गया. और उसके बाद मैंने कहा ऐसी की तैसी स्टैटिस्टिक्स की. सप्ली के लिए 3 महीने मिलते थे उस जमाने में. 3 महीने मैंने वो पढ़ा जो मैंने 2 साल ना पढ़ा होगा. और मैंने क्लियर कर लिया स्टैटिस्टिक्स जैसा सब्जेक्ट जो आज भी अगर आप उनसे पूछेंगे कि हिजाब है क्या, तो मेरे शहर पे वो ना वो सर के ऊपर ट्विंग 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 3 question marks आ जाएंगे. एंड आई विल नॉट बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन फॉर यू बिकॉज मैंने कभी दिल से वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, वो मेरे दिल को लगा ही नहीं. Join the club. जी, खैर रोते धोते हजूर हम बीए तक पहुंचे और मामा का इंतकाल हो चुका था. मैं अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहती थी. मुझे हमेशा से शौक था साइकोलॉजी का और लिटरेचर का. मामा कह गई थी कि आपने लम से MBA करना है. वो इमोशनल प्रेशर मुझ पे इतना था कि मैंने अपने सब्जेक्ट्स चेंज नहीं किए. मैंने कहा मरती क्या ना करती, MBA कर ही लूंगी, लम से करूंगी. मामा से कहा था, उनका इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, वादा खिलाफी तो हो नहीं सकती. तो खैर रोते धोते पिटते वो भी हो गया. यहाँ पे मैं अपने यंग वंस से कहना चाहूंगी, आपने ना जानते हुए अगर कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, वालदा के कहने पे, वालिद के कहने पे, बड़े बुजुर्गों के कहने पे, बड़ी कजन के कहने पे, मंगेतर के कहने पे, किसी के भी कहने पे, और आपको 3 महीने में समझ आ गया कि दिस इज नॉट फॉर यू, प्लीज गो बैक एंड टॉक टू योर लव्ड वंस. उन्हें बताइए कि यू आर बींग सेट अप फॉर फेलियर, not for success. Studying subjects which made no sense to me, that I never connected with, was a failure because I learned nothing from it. That is a failure. Had I learned something, aur main ye kehti ki ha eventually maine seekh liya aur maine usse ye kiya wo kiya, to sir ji I didn't. I wish I had changed it to the subjects jo maine eventually pursue kiye. बिकॉज देखिए, मैंने बहुत सारे सालों बाद जब मैं अपने शोहर और अपने 2 बच्चों के साथ कराची मूव हुई फ्रॉम अब्रॉड, आई डिस्कवर्ड इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. आर्ट वॉज अ पैशन, स्टिल अ पैशन, विल ऑलवेज बी वन.
and I actually enrolled myself in an art school with two children. और वो चार साल का हेवी ड्यूटी आर्ट प्रोग्राम जो इतना अग्रेसिव, इतना डिमांडिंग था कि 8 बजे से लेके 4 बजे तक तो स्टूडियो होता था अलोंग विद थियोरेटिकल क्लासेस, और उसके बाद नेक्स्ट डे असाइनमेंट्स होती थी। मैं घर घर हस्ती देख के मियाँ और बच्चों को सुला के अपनी असाइनमेंट करना शुरू करती थी, तो पता ही नहीं चलता था कि फजर का वक्त कब आया है, जब तक के अजान कानों में नहीं पड़ती थी, यानी कि सोना नसीब नहीं होता था। But I loved every moment of it. I gave it my all because it was my passion. It was my love. It is always will be. बहुत इज्जत आबरू के साथ, बहुत recognition के साथ, बहुत प्यार के साथ मैंने graduate किया as an art student in the textile discipline. Major मेरा print था, minor मेरा weaving और photography था, which I absolutely loved. और जब मैंने ग्रेजुएट किया जनाब, तो मैं इतनी प्रोडक्टिव थी दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग माय थर्ड बेबी। और मेरी ग्रेजुएशन का गाउन जो है ना, वो मेरी टमी के ऊपर ही नहीं आ रहा था। एक बड़ी सी बत्तख की तरह आई वॉडल्ड अप टू द स्टेज, और जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे उन्होंने मेरी टमी देखी, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने टमी देखी तो उन्होंने मुझे देखा, उनका बेटे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। Allahu Akbar. So ye thi academic success. This is the difference between being in the wrong place and doing something that you absolutely cannot connect with and it turns into a failure, and then being in the right place in very difficult circumstances, very demanding husband, do chote bacche jo ke Indus Valley mein hi pale bade, उनकी 200 खालाएं और 200 मामू, अल्लाह उन सब बच्चों को जिंदगियां नसीब करे जिन्होंने मेरे बच्चे पाले। एंड इट वाज ऑसम, क्या बात है जनाब। अब आपको एक और स्टोरी सुना दी। चलो, जब मैंने एनएलपी डिस्कवर किया और जब मेरा एनएलपी का कोर्स शुरू होना था 22 फरवरी 2020 में, तो उससे एक दिन पहले 21 फरवरी को, जो मेरी सालगिरह का भी दिन था इंसिडेंटली, मेरे सेकंड एक्स हस्बैंड ने मेरे हाथ में एक रोल हुआ हुआ कागज पकड़ाया, और उनका बहुत आला डायलॉग जो मुझे जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा और अगर मैंने कभी फिल्म बनाई तो मैं जरूर यूज करूंगी, उन्होंने फरमाया आपको सालगिरह के साथ तलाक मुबारक हो। सो आप सोच सकते हैं कि किसी भी इंसान की क्या हालत होगी जब उसको इस तरह से तलाक के कागजात पकड़ाए जाए। नेक्स्ट डे एनएलपी का पहला दिन था, मैं तैयार हुई, बैग उठाया और ट्रेनिंग पे चली गई। एनएलपी ने जिस तरह से, ये मेरे अल्लाह का एहसान है कि उस वक्त एनएलपी था, मुझे हेल्प किया टू डील विद दैट ट्रॉमा, टू डील विद दैट लेवल ऑफ रिजेक्शन, दैट लेवल ऑफ पेन, दैट लेवल ऑफ फेलियर, वेयर आई फेल्ट लाइक अ फेलियर, कि आई वाज लाइक ओ माय गॉड, यार मैं इतनी बड़ी लूजर हूं, मेरी दूसरी तलाक हो रही है, क्या मैं प्यार के काबिल हूं ही नहीं, क्या मैं इज्जत के काबिल हूं ही नहीं, क्या मैं अपनाए जाने के काबिल हूं ही नहीं। मुझे एनएलपी ने एक कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर दी। मुझे एनएलपी ने यह सिखाया दैट यू आर अमेजिंग इन द वे यू आर, योर एक्स हस्बैंड इज आल्सो अमेजिंग इन हु ही इज, ब्लेम गेम की जरूरत नहीं है, लर्निंग की जरूरत, दिल में रंजिशें पालने की जरूरत नहीं है, लानतान करने की जरूरत नहीं है, ना अपने आप को ना दूसरे को, ये लर्न करो क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड मूव ऑन। सो लाइफ में बहुत सारे ऐसे मुकाम आते हैं जिनमें आप अपने आप को ये समझते हैं लूजर, लेकिन अपने लॉसेस को समझें, अपने फेलियर्स को रिकॉग्नाइज करें, अपने फेलियर्स की तस्दीक करें,
उनसे सीखें और अपनी जिंदगी को आगे लेके चलें. इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर एंड इट्स नॉट ओवर फॉर मी, इट्स नॉट ओवर फॉर यू. I must confess, one of the most powerful interviews I've had to date, especially ye jo learning ke wale se aapne baat ki, the trauma that you would have gone through, two divorces, and still you've come out so strongly, mashallah. I can just sincerely wish and pray ki aage aapki life ka safar hai, aapke liye isme aasaniyan paida ho, and you live happily ever after. Ameen. I would like to close, but before I do that, क्या मैसेज देंगे आप लोगों के लिए? वैसे तो बड़े सारे मैसेज आपने दे दिए, फिर भी कोई नुकता अगर रह गया तो क्या मैसेज? In a nutshell, believe in yourself. Please give significance to your own journey. Please give significance to your own healing. ये बहुत जरूरी है. हर तरह के चैलेंजेस आएंगे जिनका इम्पैक्ट होगा. हमारे अंदर तोड़फोड़ होती है और होगी. ये किसी ने नहीं कहा कि लाइफ इज अ बेड ऑफ रोज़ेस, बिकॉज़ इट नेवर इज. अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए. जो एवेन्यू आपको मिलता है, लाइफ कोचिंग के थ्रू, साइकोथेरेपी के थ्रू, उसको जरूर एक्सप्लोर करें ताकि आप एक मजबूत, एक होलसम, एक पॉजिटिव इंडिविजुअल बने. आपकी जर्नी में अगर आज टफ टाइम चल रहा है, कल, परसों, तरसों कभी भी चल सकता है, कभी भी आ सकता है. It doesn't mean it's going to stop. It doesn't mean it's going to end. How you respond to it, please focus कीजिएगा. मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है respond, not react, because reaction is a negative mindset. How you respond to your life will make or break you. And I'm here. Reach out whenever you like. मुझे जो कुछ भी अल्लाह पाक ने अता किया, ये उनका एहसान है, उनकी मेहरबानी है. I'm here for you. Lovely. Thank you so very much for this powerful message and your time. It's a pleasure to My pleasure. Take care of My this. Pleasure. You yeah. too, Sheikh Saab. Thank you so much for giving this opportunity to me. Jazakallah ji. Khuda hafiz. Take care. Allah.